स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर है ईयर्स एंड ईयर्स। क्वेश्चन ए, सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन 1 ग्लासेस वाटर हर रोज पीता है, तो हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। तो टोटल 1 मंथ में उसने कितना ग्लास पानी पिया होगा वो हमें काउंट करना है। तो 1 मंथ में कितने डे होते हैं? 30। इसलिए हम क्या करेंगे, 30 × 8। एक दिन का 8 ग्लास पीता है तो 13 डेज का कितना, तो 30 × 8 करेंगे, तो 8 × 0 = 0 एंड 8 × 3 = 24। तो टोटल आंसर हुआ 240 ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। 1 ईयर में वो कितने ग्लासेस ड्रिंक करेगा? तो 1 ईयर में डेज होते हैं 365, तो क्या करना है, 365 × 8 करवाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर 0, 4 को अगले नंबर पर कैरी। अब 8 × 6 = 48 + 4 = 52, तो यहाँ पर 2, 5 को अगले नंबर पर कैरी। तो 8 × 3 = 24 + 5 = 29। तो टोटल आंसर हुआ हमारा 2920। तो वो 1 ईयर का कितना ग्लासेस पानी पिएगा, 2920 ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, तो हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। कॉलोनी में 125 लोग रहते हैं और वो लोग 8 ग्लासेस पानी पीते थे। हर एक जो है वो 8 ग्लासेस पानी पीता है एक दिन का। तो टोटल ईयर्स में वो कितने, टोटल कितना पानी पिएंगे, वो हर एक पर्सन है वो कितना पानी पीता है वन डे में 8 ग्लासेस। तो टोटल कितने पर्सन है, 125 पर्सन है। तो वो सभी मिलाकर 1 ईयर में कितना पानी यूज़ करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फॉर वन डे में कितना पानी वो ड्रिंक करेंगे, तो एक पर्सन है वो 8 ग्लासेस पिएगा। तो यहाँ पर 125 पीपल है, तो 125 है तो वो हर एक लोग 8 ग्लासेस पानी पिएंगे ना। तो पहले क्या करना है, 125 × 8 करना है, तो आंसर में आएगा 1000। तो हर रोज़ वो 1000 ग्लासेस पानी ड्रिंक करेंगे। अब हमें पूछा है कि हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना पानी पिएंगे, तो एक दिन में 1000 पिएंगे, तो 1 ईयर में तो 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि, तो हमें आंसर मिला है 1000 ग्लासेस, वो एक दिन का 1000 ग्लासेस पानी पीते हैं। तो अब हमें पता है 1 ईयर में तो 365 डेज होते हैं, तो 365 × क्या करना होगा, 1000। तो 365 × 1000 इज इक्वल टू 365,000 ग्लासेस। ओके, क्यों, क्योंकि 365 बन जाए 365 और पीछे 3 जीरो है, तो यहाँ पर भी 3 जीरो लगा दे रहे हैं। तो टोटल कितने ग्लासेस पानी पिया होगा वो कॉलोनी वालों ने, 365,000 ग्लासेस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बोला था टोटल पीपल कितने थे, 128 थे, वो लोग हर रोज 8 ग्लास पानी पीते थे, इसलिए वन डे का कितना हुआ, 125 × 8 = 1000। वो सभी लोग मिलाकर वन डे में 1000 ग्लास पानी पी जाते थे। अब 1 ईयर में तो 365 डेज होते हैं, तो उसके मल्टीप्लाई 1000 कर देने हैं, तो आंसर में मिला हमें ये 365,000 ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, इफ सोहास हर्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट्स इन 1 आवर। सोहा के हर्ट बीट से वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होते हैं। सोहा ने अपने हर्ट बीट काउंट्स किए तो 1 मिनट में 72 टाइम्स होते हैं। तो 1 आवर में कितना होगा, तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट, आपको पता ही है ना, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो क्या करना है, 1 मिनट में 72 टाइम्स हर्ट बीट होते हैं, तो 1 आवर मीन्स 60,
60 मिनट में कितने हो गए, तो 72 मल्टीप्लाई 60 करना है। 72 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा हमें, ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले हम राइट साइड में जीरो है तो हम जीरो ही कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई 60 है तो क्या करना है, पहले जीरो है तो जीरो, फिर 6 2 12, तो यहाँ पर 2 1 को अगले नंबर पर कैरी, 7 के ऊपर 1 को कैरी लगाना है। 6 7 42, 42 + 1 43, तो 1 आवर में 4320 टाइम्स हर्ट बीट हो गए उसके। नेक्स्ट लिखा है, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन वन डे। अब वन डे में उसके हर्ट बीट्स कितने हो गए, तो वन डे मीन्स 24 आवर्स, आपको पता ही है, तो 1 आवर में कितने हर्ट बीट्स है, तो 24 आवर्स में कितने हो गए, तो 4320 मल्टीप्लाई 24 करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब 24 है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 4320 का पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मिलेगा हमें 17280। अब 4320 का हमें 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 है तो पीछे, तो यहाँ पर 4220 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 4320 मल्टीप्लाई 20 करना है, तो 4220 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर में मिलेगा 17280। अब 4320 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आंसर में मिलेगा 86400। ओके, अब इन दोनों का प्लस कर देना है, तो प्लस करेंगे तो 0 + 0 = 0, 8 + 0 = 8, 2 + 4 = 6, 7 + 6 = 30, तो यहाँ पर 3, 1 को अगले नंबर पर कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 8 = 10, तो यहाँ पर लिख लेना है 10। तो टोटल हर्ट बीट्स कितने हुए पूरे दिन के, 1,03,060,680। ओके, टोटल हर्ट बीट्स कितने हुए, 1,03,000, तो आंसर हुआ 1,03,680। ओके, नेक्स्ट है सी, क्वेश्चन सी, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, तो हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक इन 2 ईयर्स। बेबी एलिफेंट है वो हर रोज 12 लीटर मिल्क पीता है, तो 2 ईयर्स में टोटल कितना ड्रिंक किया मिल्क का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 1 ईयर = 365 डेज एंड 2 ईयर्स = 730 डेज। तो हमें पता है मिल्क कंसम्पशन ऑफ बेबी एलिफेंट इन 1 डे = 12 लीटर। बेबी एलिफेंट है वो 1 डे में 12 लीटर मिल्क पीता है, तो 2 ईयर्स में कितना होगा, तो 2 ईयर्स के डे होते हैं 730, तो उसके मल्टीप्लाई 730 कर देना है, तो 730 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 8,760। तो हिन्स द बेबी एलिफेंट ड्रिंक 8,760 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 ईयर्स। 2 ईयर में टोटल 8,760 लीटर मिल्क वो पिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अ बेबी ब्लू वेल ड्रिंक अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे। बेबी ब्लू वेल है वो 1 डे में कितना मिल्क पीती है, तो 200 लीटर। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, तो इमेजिन करो 200 लीटर कितना सारा हुआ। फाइंड आउट इन हाउ मैनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। आपको इमेजिन करना है कि आपकी फैमिली 200 लीटर मिल्क का यूज़ कितने दिन तक कर सकती है। 200 लीटर आप कब तक यूज़ करोगे तब जाके 200 लीटर मिल्क का यूज़ हो पाएगा। एंड हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू वेल ड्रिंक इन 8 मंथ। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि बेबी ब्लू वेल है वो 8 मंथ में टोटल कितना मिल्क ड्रिंक करेगी, वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिल्क कंसम्पशन ऑफ बेबी ब्लू वेल पर डे इज इक्वल टू 200 लीटर। जो बेबी ब्लू वेल है वो 1 डे में कितना मिल्क पीती है, 200 लीटर। अब हमें पूछा था, फाइंड आउट हाउ मैनी डेज योर फैमिली विल यूज
200 लीटर मिल्क आपकी फैमिली कितने दिन यूज कर सकती है 200 लीटर दूध। तो द रेट ऑफ टू, तो आपकी फैमिली शायद वन डे में 2 लीटर मिल्क यूज कर सके। द रेट ऑफ 2 लीटर पर डे, आपकी फैमिली शायद वन डे में 2 लीटर जितना यूज कर सके। तो 200 लीटर है वो कितने दिन तक चलेगा, तो 200 डिवाइडेड 2 करना है तो आंसर मिलेगा 100 डेज। तो अगर मेरी फैमिली वन डे में 2 लीटर मिल्क यूज करती है तो 100 डेज तक 200 लीटर मिल्क है वो हम यूज कर पाएंगे। वन डे में 2 लीटर तो 100 डेज में 200 लीटर मीन्स जितना बेबी ब्लू वेल है वो एक दिन में जितना मिल्क पी जाती है उतने मिल्क का तो हम 100 डेज तक यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू वेल ड्रिंक इन 8 मंथ। बेबी ब्लू वेल है वो 8 मंथ में कितना मिल्क चाहिए उसको, तो हमें पता है वो एक दिन में 200 लीटर मिल्क पीती है 200 लीटर, तो 1 मंथ में कितने होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 200 × 30 इज इक्वल टू 6000 लीटर। क्यों? क्योंकि 2 × 3 = 6 एंड पीछे 3 0 मीन 6000 लीटर मिल्क 1 मंथ का वो ड्रिंक करेगी। अब हमें तो 8 मंथ का यूज काउंट करना है, तो 1 मंथ का 6000 लीटर तो 8 मंथ का कितना, तो 6000 × 8 इज इक्वल टू 6 × 8 = 48 और पीछे ये 3 0 मीन्स 48000 लीटर। तो बेबी ब्लू वेल 8 मंथ में 48000 लीटर मिल्क वो ड्रिंक करेगी। ओके okay?